यार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोगों को यहाँ पर लूसेंट्स का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव किताब में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट। तो आज हम अभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 का बायोलॉजी में एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका नाम है साइटोलॉजी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने साइटोलॉजी चैप्टर नंबर 14 आ गया है, ठीक है। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेलिस इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेंस डीएनए। तो विच ऑर्गेनेलिस इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेंट डीएनए। ऑप्शन ए सेंट्रोइड, ऑप्शन बी गोलगी अपरेटस, ऑप्शन सी लाइजोजोम्स, ऑप्शन डी मिटोकॉन्ड्रिया माइकोन्ड्रिया, ठीक है। मिटोकॉन्ड्रिया माइकोन्ड्रिया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो विच ऑर्गेनेलिस इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेंट डीएनए माइकोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डीएनए मेक इफ अन यूनिकली सिचुएटेड टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डीएनए मेक इट इफ यूनिकली सिचुएटेड टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ऑप्शन ए कंप्लीमेंट्री ऑफ द टू स्ट्रैंड, ऑप्शन बी डबल हेलिक्स, ऑप्शन सी नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न, ऑप्शन डी सुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द टू स्ट्रैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर रोल होना चाहिए सिग्निफिकेंट रोल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन ए लाइजोजोम एंड सेंट्रोजोम, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोजोम, ऑप्शन सी गोल्गी अपरेटस एंड माइकोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइजोजोम एंड माइकोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो थ्री का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोजोम, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऑप्शन नंबर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फोर, आपका असर्शन एंड रीजन। तो आपका असर्शन ए है, साइंटिस्ट कैन कट अपार्ट एंड प्रेस टुगेदर डीएनए मॉलिक्यूल्स एट विल रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो साइंटिस्ट कैन कट अपार्ट एंड प्रेस टुगेदर डीएनए मॉलिक्यूल्स एट विल रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ मॉलिक्यूल। रीजन है, डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी मैनिपुलेटेड यूजिंग रिस्ट्रिक्शन इंडोन न्यूक्लियस एंड डीएनए लिगेसेस। तो फोर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपको दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रीजन भी सही है और आंसर दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका फाइव है, द सेलुलर एंड मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज। द सेलुलर एंड मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन ए अपोप्टोसिस, ऑप्शन बी एजिंग, ऑप्शन सी डीजेनरेशन, ऑप्शन डी नेक्रोसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपोप्टोसिस। तो द सेलुलर एंड मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज अपोप्टोसिस। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विथ रेफरेंस टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन स्टेम सेल रिसर्च कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विथ रेफरेंस टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन स्टेम सेल रिसर्च कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन स्टेम सेल आर द एम्ब्रियोस एट ए ब्लास्टोसाइट स्टेज। ऑफ स्टेटमेंट टू है, द स्टेम सेल कैन बी डिराइव विदाउट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्टोसाइट। और थ्री आपका है, द स्टेम सेल्स कैन रीजेनरेट स्टेम सेल इनटू विट्रो वर्चुअली फॉर एवर। और फोर आपका है स्टेटमेंट, इंडियन रिसर्च सेंटर्स ऑल्सो क्रिएटेड ए फ्यू सेल लाइन्स विच कैन बी डेवलप इनटू मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए वन टू एंड फोर, ऑप्शन बी वन टू एंड थ्री, ऑप्शन सी वन टू एंड थ्री, ऑप्शन डी थ्री एंड फोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी थ्री एंड फोर आपका सही होगा, ठीक है।
द स्टेम सेल्स कैन रीजनरेट देमसेल्फ इनटू विट्रो वर्चुअली फॉर एवर. और फोर आपका इंडियन रिसर्च सेंटर आल्सो क्रिएटेड ए टू सेल लाइंस. ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा. ठीक है, विच कैन डेवलप इनटू मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू. क्वेश्चन नंबर सेवन है, व्हाट इज प्लांट सेल और प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज ऑफ. तो व्हाट इज प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज ऑफ, ऑप्शन ए लिपिड्स, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी प्रोटीन. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज. क्वेश्चन नंबर एट है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल. तो विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल, ऑप्शन ए यूगलेना, ऑप्शन बी पैरामेसियम, ऑप्शन सी कोनिगोनिया लॉक्स, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा. तो विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माइकोप्लाज्मा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन. तो ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन ए बी फंगी, ऑप्शन सी एल्गी, ऑप्शन डी लाइचेंस. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया. तो ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर टेन है, बार बॉडी इज फाउंड इन. तो बार बॉडी इज फाउंड इन, ऑप्शन ए स्पर्म, ऑप्शन बी सर्टोली सेल्स, ऑप्शन सी फीमेल सोमाटिक सेल्स, ऑप्शन डी मेल सोमाटिक सेल्स. तो दसवां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फीमेल सोमाटिक सेल. तो बार बॉडी इज फाउंड इन फीमेल सोमाटिक सेल. क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस. तो इन एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, ऑप्शन ए रेस्पायरेशन, ऑप्शन बी एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन सिंथेसिस. तो इन एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन सेल वॉल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट टेक प्लेस. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज. द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, ऑप्शन ए लीवर सेल, ऑप्शन बी मसल सेल, ऑप्शन सी नर्व सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नर्व सेल. क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूक्लियर इनवेलप इज एब्सेंट इन. तो न्यूक्लियर इनवेलप इज एब्सेंट इन, ऑप्शन ए यूकैरियोटिक सेल, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी बोथ यूकैरियोटिक एंड बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया. तो न्यूक्लियर इनवेलप इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन. तो न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, ऑप्शन ए प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी ग्रीन एल्गी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोट्स. ठीक है, क्वेश्चन 15 है, सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय. तो सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय, ऑप्शन ए सेल्डियन एंड स्वान, ऑप्शन बी सुल्टन एंड बोवेरी, ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन नंबर डी डार्विन एंड वालेस. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेल्डियन एंड स्वान. ठीक है, तो सेल्डियन एंड स्वान होगा. क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय. तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी लियू वेन हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी सेल्डियन एंड स्वान. तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन. तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ऑप्शन ए गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन बी न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइक्रोकॉन्ड्रिया. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, माइक्रोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिस. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिस, ऑप्शन ए क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी प्लास्टिड, ऑप्शन डी गोल्गी बॉडीज. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिड. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिस, प्लास्टिड. क्वेश्चन नंबर 19 है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज, ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट, ऑप्शन डी इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल वॉल. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल. क्वेश्चन नंबर 20 है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस इरेगुलर ट्यूबुलस फाउंड इन सेल साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड. तो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस
irregular tubules found in cell cytoplasm is called? Option A, Golgi bodies. Option B, mitochondria. Option C, ribosome. Option D, endoplasmic reticulum. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम. तो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस इरेगुलर ट्यूबुलस फाउंड इन सेल साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम. क्वेश्चन नंबर 21 है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल. तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज कॉल्ड, ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्गी बॉडीज. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम. तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज इन सेल इज कॉल्ड राइबोसोम. क्वेश्चन नंबर 22 है, द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन ए नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन बी फॉस्फेट ग्रुप, ऑप्शन सी डी ऑक्सीरिबोस शुगर, ऑप्शन डी थायमाइन बेस. इसका राइट आंसर है ऑप्शन में बी फॉस्फेट ग्रुप. द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन इज. तो साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन इज, ऑप्शन ए गॉल्गी बॉडीज, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया. तो साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन नंबर 24 है, लाइसोसोम इज फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल्स. तो लाइसोसोम इज फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन डी राइबोसोम. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोल्गी बॉडीज. क्वेश्चन नंबर 25 है, अट्रैक्टिव कलर ऑफ फ्लावर एंड सीड इज ड्यू टू. तो अट्रैक्टिव कलर ऑफ फ्लावर एंड सीड इज ड्यू टू, ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट. तो अट्रैक्टिव कलर ऑफ फ्लावर एंड सीड इज ड्यू टू, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू. तो ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट. तो ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 27, सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज. तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज, ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन डी गोल्गी बॉडीज. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम. सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज लाइसोसोम. क्वेश्चन नंबर 28 है, द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम इज. द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम इज, ऑप्शन ए सेल सैप, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. क्वेश्चन नंबर 29 है, ए सब्सटेंस विच इज मोर देन 80% इन द सेल इज. ए सब्सटेंस विच इज मोर देन 80% इन द सेल इज, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी मिनरल, ऑप्शन डी वाटर. तो ये सब्सटेंस विच इज मोर देन 80% इन द सेल इज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाटर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सेल थ्योरी इज गिवन बाय. तो सेल थ्योरी इज गिवन बाय, ऑप्शन ए पास्टर, ऑप्शन सी सिल्डन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी टीस्वान. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 and 4, रॉबर्ट हुक एंड टीस्वान. क्वेश्चन नंबर 31 है, ए प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल इन हैविंग. तो ए प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल इन हैविंग, ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी न्यूक्लियस. तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल वॉल. तो ए प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल इन हैविंग सेल वॉल. क्वेश्चन नंबर 32 है, मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज इज. तो मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन ए रेस्पायरेशन, ऑप्शन बी सेल डिवीजन, ऑप्शन सी परसेंटेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, ऑप्शन डी सेक्रेटरी. तो मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज इज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेक्रेटरी. क्वेश्चन नंबर 33 है, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज. तो फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज, ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस,
ऑप्शन बी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ऑप्शन डी सिंथेसिस ऑफ फैट। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। द फंक्शन ऑफ लाइजोजोम इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34 है क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ, तो क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी डीएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी आरएनए। तो क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ, तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डीएनए एंड प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 35 है सेल वॉल इज, तो सेल वॉल क्या है, तो सेल वॉल इज ऑप्शन नंबर ए परमिएबल, ऑप्शन नंबर बी सेमी परमिएबल, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्टिव परमिएबल, ऑप्शन डी नॉन परमिएबल। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए परमिएबल। क्वेश्चन नंबर 36 है इन फोल्डिंग फॉर्म द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल कॉल्ड, तो इन फोल्डिंग फॉर्म द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, ऑप्शन ए क्रिस्टेट, ऑप्शन बी सिस्टर्निया, ऑप्शन सी ऑक्सियोसोम, ऑप्शन डी मैट्रिक्स। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिस्टेट। क्वेश्चन नंबर 37 है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी मेनी, ऑप्शन डी 0। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0। क्वेश्चन नंबर 38 है ऑल लाइफ फॉर्म्स कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ दिस आर, तो ऑल लाइफ कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ दिस आर, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, ऑप्शन ए डी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी डी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी ड्यूअल नाइट्रोजन एसिड, ऑप्शन नंबर डी डी ऑक्सीरो डीओ न्यूक्लिक एसिड। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन 40 है मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय, तो मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय ऑप्शन ए नोल एंड रस्का, ऑप्शन बी वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन नंबर सी खुराना, ऑप्शन नंबर डी प्रिस्टेली। तो मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन नंबर 41 है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इन्वेंटेड बाय, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इन्वेंटेड बाय ऑप्शन नंबर ए नोल एंड रस्का, ऑप्शन बी शेल्डन एंड स्वान, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग एंड ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी वाटसन एंड क्रिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोल एंड रस्का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इन्वेंटेड बाय नोल एंड रस्का। क्वेश्चन नंबर 42 है मॉलिकुलर एंड सेलुलर रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन, तो मॉलिकुलर एंड सेलुलर रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो मॉलिकुलर एंड सेलुलर रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो, तो आज सिलेबस इतना ही, कल हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन 43 से। तो आज सिलेबस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।